उसका नाम प्रशांत है। एक बार प्रशांत के जन्मदिन पर उसके पिता, ये लो प्रशांत बेटा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट, कहते हुए एक तोहफा दिए। ओ थैंक यू डैडी, कहते हुए उस प्रेजेंट को खोलकर देखा। वाओ मिनी स्कूटर, बहुत अच्छा है पापा, मुझे ये बहुत पसंद आया, अब से मैं इसे कॉलेज लेकर जाऊंगा। फिर अगले दिन प्रशांत अपने कॉलेज उस मिनी स्कूटर पर गया। कॉलेज के पास प्रशांत के दोस्त उसके मिनी स्कूटर को देखकर, अरे तेरा ये मिनी स्कूटर बहुत अच्छा है रे, एक बार दोगे मैं एक राइड करता हूँ। हाँ चुप करो, एक राइड क्या, तुम जितने चाहो उतने राइड्स करो। इतने में दूर से प्रशांत की गैंग को देखते हुए हृदय, अरे देखा उस प्रशांत की गैंग को, एक छोटा सा स्कूटर लेकर आया तो पूरा कॉलेज उसे हीरो जैसे बना दिए। हाँ वो चिल्लर गैंग उसे ज्यादा कुछ खरीद भी नहीं सकते रे, हमारे गैंग में तो सबके पास स्पोर्ट्स बाइक है, छोड़ो उनको। ये क्या भाई ऐसे कह रहे हो, अभी छोटा स्कूटर लेकर आए हैं लेकिन कल बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, चलो भाई एक छोटा रेस करवा कर उनका मुंह बंद करवा देते हैं। हाँ ये सही है, रेस में तो वैसे भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक ही जीतेगी, तब सबकी आंखें मुझ पर ही होगी, कहकर राठौर प्रशांत की तरफ गया। क्यों रे प्रशांत मिनी स्कूटर खरीदे, अच्छा है। हाँ राठौर ये मिनी स्कूटर है लेकिन इसका पिकअप बहुत अच्छा है, हाइब्रिड इंजन है ना इसलिए। हाँ स्पोर्ट्स बाइक से ज्यादा है क्या, ठीक है चलो एक रेस लगाते हैं। प्रशांत तब जरा से सोचकर, श्योर जरूर लेकिन ये 100 मीटर्स का ही रेस होना चाहिए। क्या ओनली 100 मीटर्स रेस, ठीक है ओके डन। ये क्या रे 100 मीटर्स ही कह रहे हो, रे ये हाइब्रिड मॉडल है रे, बैटरी ऑपरेटेड, दूसरे इंजन से इसका बहुत ज्यादा हाई पिकअप है लेकिन हाई स्पीड नहीं जा सकती इसलिए 100 मीटर्स बोला। फिर रेस शुरू हुई, प्रशांत अपने मिनी स्कूटर को स्टार्ट करके राइस से आगे चला गया। प्रशांत के आसानी से रेस जीत जाने से कॉलेज में सारे लोग तालियां बजाने लगे, राठौर शर्म से सर झुका लिया। उस शाम राठौर, अरे वो कमीना प्रशांत मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया, वैसे उस मिनी स्कूटर में क्या है रे, इतना डांट गया, वो गाड़ी मुझे किसी भी हाल में चाहिए, कुछ तो करना होगा। घर पर राठौर अपने पिता से, पापा पापा प्रशांत एक मिनी स्कूटर खरीदा, वैसा वाला मुझे भी एक स्कूटर चाहिए, आज के रेस में मुझे हराया, कॉलेज में मेरी इज्जत चली गई। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो, प्रशांत के पिता तो मेरे से उधार लिए हुए हैं, उधार चुकाने के लिए कहो वरना गाड़ी ले लो। राठौर तुरंत प्रशांत के घर जाकर उसके पिता से, अंकल डैडी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तुरंत पैसे देने के लिए कहे। ये क्या बेटा, हर महीने ब्याज तो सही से भर रहा हूँ ना, तो फिर क्यों? वो सब नहीं पता अंकल, डैडी अर्जेंट पैसे लेकर आने के लिए कहे, वरना प्रशांत के पास जो बाइक है वो देने के लिए बोले, पैसे देने के बाद फिर से वो गाड़ी ले लेना कहे। ये क्या, आखिर पैसों का और मेरी बाइक का क्या लेना देना? बेटा अपना बाइक दे दो, मैं जल्दी तुम्हारी बाइक छुड़वा लूंगा, कहते हुए उस स्कूटर को दे दिया। अगले दिन कॉलेज में राठौर उस स्कूटर को कीचड़ में पानी में मिट्टी पर चलाने लगा, प्रशांत वो सब देख नहीं सका। प्रशांत का एक दोस्त आकर, क्या रे वो तेरी बाइक को यूं खराब कर रहा है और तुम चुप बैठे हो? सही समय देखकर उसे सबक सिखाऊंगा रे। अगले दिन प्रशांत उस मिनी स्कूटर के रिमोट को लेकर कॉलेज आया। राठौर हमेशा की तरह जब कीचड़ में जाने वाला था, प्रशांत एक बटन दबा दिया, बस गाड़ी स्किड होकर कीचड़ में गिर गई। सारे लोग कॉलेज में हंसने लगे। राठौर फिर जितनी बार भी गाड़ी चलाता वो नीचे ही गिर जाता। हे भगवान, लगता है इस गाड़ी को कुछ हो गया है, अपने आप ही स्किड होकर बीच में गिर जाती है, कल कुछ हो गया तो मुझ पर ही इसकी जिम्मेदारी आएगी, सोचकर प्रशांत को उसकी गाड़ी लौटा दिया। वो शिकरी नाम का गांव था, उस गांव में फसल अच्छे उगने के बावजूद चारों तरफ कीचड़ का पानी होने के कारण किसान सर पे बोरिया लेके
शहर जाके सब्जी भेजा करते थे। उसी गांव में गोपाल राज नाम का व्यक्ति रबर तकिया तैयार करता था। उसने तैयार किए रबर तकिए को सर पे लेके पड़ोस के गांव के रेलवे स्टेशन में जाके, हाँ पिलोस भाई पिलोस, नरम नरम पिलोस चिल्लाते हुए रबर पिलोस बेचा करता था। एक बार गोपाल राज का बेटा, पापा कितने दिन हम ऐसे कीचड़ पानी में जाएंगे, पैर देखिए कितना खराब हो गया है, बारिश के महीने में हमारी हालत तो और खराब हो जाती है, क्या करेंगे बेटा, कल हमारे गांव को कलेक्टर साहब आने वाले हैं, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं क्या। अगले दिन कलेक्टर कुछ इंजीनियर्स के साथ वहां पे आके उस कीचड़ पानी को जांचने लगा। तब गांव वाले कलेक्टर से, कलेक्टर साहब हमारे लिए हमारा गांव आने के लिए बहुत धन्यवाद, यहाँ पे कोई पुल बांध के हमारे गांव के लिए उपकार कीजिए, कम से कम कोई नाव का बंदोबस्त तो कीजिए, हम उसका उपयोग करेंगे। देखिए हमारे इंजीनियर सभी जांचने के बाद यहाँ पे पुल बांधना मुमकिन नहीं है बोले, अगर बांधे तो भी वो जल्द ही गिर जाएगा, आपके कहे मुताबिक अगर कोई नाव बनाए तो कीचड़ के वजह से उसका मोटर खराब हो जाएगा। साहब आप ही ऐसे बोलेंगे तो कैसा होगा, गांव से एक एक परिवार निकलते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इस गांव में कोई नहीं रहेगा, किधर जाना है समझ नहीं आ रहा है साहब, क्या करना होगा आप ही बताइए, आप लोगों को जल्दी एक उपाय बताऊंगा जी, कह के वो चला गया। एक दिन गोपाल राज समीर कीचड़ में चलते वक्त अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। तुरंत गोपाल राज उसके एयर पिलोस लेके फूका। गोपाल राज बेटे से, समीर तू भी एयर पिलोस में हवा भर। वैसे उन दोनों ने एयर पिलोस हाथ में पकड़ के पानी में बिना डूबे सुरक्षित किनारे पे आए। समीर ने उसके पिता ने दिए आइडिया के बारे में रात भर सोचने लगा। मतलब एयर पिलोस कीचड़ में बिना डुबाए एक आदमी को आराम से जब हवा में लेके आ सकता है, अगर मैं इस रबर से एयर बोट तैयार करूं तो गांव वालों को ठीक होगा, सोच के वो रात भर मेहनत करके एक बड़ा एयर बोट तैयार किया। सुबह गोपाल राज ने अपने बेटे के द्वारा बनाया एयर बोट को देखकर आश्चर्य हो गया। बेटा ये क्या, ये नाव है क्या, वैसा ही लग रहा है। आपके ही आइडिया है पिताजी, इसे एयर बोट बोलते हैं, इसके पीछे अगर हम बड़ा फैन अटैच किए हम आज से एयर बोट से कीचड़ पानी से आराम से पार कर सकते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर वो फैन कैसे तैयार करेंगे। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है डैडी, कह के तुरंत कलेक्टर के पास जाके अपने एयर बोट के बारे में विवरण दिया। कलेक्टर तुरंत अपने इंजीनियर की मदद से एयर बोट के पीछे फैन अटैच कर दिया। तब वो एयर बोट उस कीचड़ पानी को बड़ी आसानी से पार कर दिया, कीचड़ पानी के ऊपर आसानी से उड़ने लगे। वो देखकर कलेक्टर साहब, वेल डन माय बॉय, वेल डन, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारे गांव की समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। वैसे सभी तालियां बजाने लगे।